साथियों नमस्कार, बीएनजी ब्लॉग्स पर आपका स्वागत है। आज का मुख्य समाचार खासकर शिक्षा जगत से। मिशन दक्ष पर दिख रहा है गर्मी का असर। अप्रैल महीने में ही लू चलने का है जो है स्थिति। 7 बजे सुबह से तीखी धूप लगती है, लोग घरों में दुबके। पटना के अलावा 7 जिलों के लिए आज येलो अलर्ट। बिहार समेत 13 राज्यों में लू चलेगी। बीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष के फ्लैट से हीरे के जेवरात चोरी। नागेश्वर कॉलोनी के कवि रमन पथ स्थित फ्लैट में चोरी, सोने के जेवर व नकदी भी ले गए। बुद्धा कॉलोनी थाने में पाया दर्ज। पुलिस ने पहुंचे अस्पताल, चुनाव करा घर लौट रहे शिक्षक घायल, इलाज के दौरान मौत। सोलंकी दुबे की फाइल फोटो। चुनाव कराने के बाद बाइक से लौट रहे शिक्षक सड़क दुर्घटना गंभीर रूप से घायल हो गए। जख्मी हालत पुलिस उन्हें JPN अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान शनिवार की सुबह करीब 7 बजे मौत हो गई। इसके बाद सब पोस्टमार्टम के बाद मगध मेडिकल कॉलेज भेजा गया। पटना के रहने वाले शिक्षक सोलंकी दुबे पटना रानीघाट महेंद्र रहने वाले थे 55 वर्षीय सोलंकी दुबे। कंडी नवादा के पास बाइक दुर्घटना के समय से हो गए थे घायल। शनिवार की अहले सुबह JPN में इलाज में हो गई मौत। विद्यालय शिक्षक व छात्रों की अशोक बैग। प्रश्न पत्र लिख के 5 मुख्य आरोपी उज्जैन से गिरफ्तार। जलालपुर प्रखंड के जानकी नगर स्कूल में शनिवार को बच्चों के बीच परोसी गई खाली थाली। मिड डे मील खाली थाली रखकर भेज रहे फर्जी रिपोर्ट। अभिभावकों ने स्कूल में की ताले बंद दी। तो ये थे कुछ मुख्य समाचार। ये जानकारी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल आपके चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।